सीमा के पास 5 पासपोर्ट हैं। हैं? सीमा के पास 5 पासपोर्ट हैं, 4 उसके बच्चियों के और 1 उसका। 5 पासपोर्ट हो गए, अंदाजे बयां है। आप कहते हैं सीमा के पास 5 पासपोर्ट, 4 उसके 3 बेटियां, 1 बेटा और 1 खुद का पासपोर्ट, 5 पासपोर्ट। लंबी चौड़ी फाइल आपने तैयार किया है, करीब अगर देखा जाए तो 100 से अधिक, 150 पन्नों की फाइल है। क्या छिपा है इस फाइल? छिपा नहीं, सब कुछ उजागर है। इस फाइल में छिपाने वाली कोई बात ही नहीं है, पब्लिक डोमेन में पहुंच गई फाइल है। देश के महामहिम राष्ट्रपति को पहुंच गई, मीडिया हाउसेस में पहुंच गई, बहुत चर्चा शुरू हो गई है। मर्सी पिटीशन है सीमा मीना की, एफिडेविट है, बहुत लंबी है। और ये पूरे पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो सब देशों से आते हैं और नागरिकता भी मिलने का प्रावधान है। और उसी के तहत सीमा को भी नागरिकता मिले, सीमा देश की नागरिक बने, अच्छी महिला बने, प्यार करने वाली महिला बने, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। जो याचिका तैयार हुई है, ये सब याचिका तैयार की है और ये हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को राष्ट्रपति भवन में रिसीव करा दी है। अब इस आधार पर ही हमने इसमें वो सारे कारण दिए, क्योंकि उनके सभी के हस्ताक्षर हैं, सिग्नेचर हैं, सब कुछ करके वकालतनामा। एजेंट, आतंकवादी, जासूस अपने 4 छोटे छोटे बच्चों को लेके आएंगे क्या? ISI एजेंट अपने सारे आई कार्ड जो जन्म से लेकर अब तक। हैदर के प्रकरण को लेकर के कई तमाम तरह की खबरें भी सामने आ रही थी। जब ATS पूछताछ कर रही थी, करीब 100 घंटे के आसपास सीमा हैदर से ATS ने पूछताछ की, और ऐसे में सीमा हैदर को लेकर के सीमा हैदर के वकील AP सिंह हमारे साथ है और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पूरे प्रकरण में अब तक क्या कुछ हुआ है और आगे किस तरह से सीमा हैदर को लेकर के कदम उठाएंगे, ताकि सीमा हैदर जो लगातार ये कह रही है सीधे तौर पर कि कहीं ना कहीं हमें भारत में ही रखा जाए, पाकिस्तान अगर मैं जाऊंगी तो हमें मार दिया जाएगा। कई तमाम तरह के प्रकरण चल रहे हैं, सीमा हैदर का भी लगातार वीडियो सामने आ रहा है, इसको लेकर के बातचीत करेंगे। AP सिंह हमारे साथ, उनके एडवोकेट हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर। धन्यवाद। सीमा हैदर का प्रकरण जो काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन इस बीच में एक नया ट्विस्ट सामने आया। जब ATS पूछताछ कर रही थी, कई तमाम तरह का मीडिया में खबर चलने लगा कि इस सीमा हैदर जासूस है, इस तरह की। अब पूरे इस केस को देख रहे हैं, आज उनके पिताजी ने, उनके जो ससुर है उन्होंने मुलाकात भी आपसे किया है, तमाम चीज़ें कैसे चल रही है? नहीं, वो तो 4-5 दिन से लगातार मुलाकात कर रहे थे, तभी ये सारी जो याचिका तैयार हुई है, ये सब याचिका तैयार की है और ये हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को राष्ट्रपति भवन में रिसीव करा दी है। अब इस आधार पर ही हमने इसमें वो सारे कारण दिए, क्योंकि उनके सभी के हस्ताक्षर हैं, सिग्नेचर हैं, सब कुछ करके वकालतनामा, एफिडेविट, FIR और फोटोग्राफ भी हमने इसमें लगाए हैं। ये इस तरह के फ़ोटोग्राफ हैं, बच्चों के साथ के फ़ोटोग्राफ हैं और ये है। अब ये है विषय, जो सीमा पाकिस्तान की थी, 4 साल पहले उसका तलाक हो चुका था। जो उसका पति था, ये उसका सीमा के लिए तो पहला पति था, लेकिन उसके पति की दूसरा निकाह था, पहली पत्नी से और बच्चे हैं, वो अभी भी सीमा के पूर्व पति के पास रह रहे हैं। अभी ये दूसरा विवाह था, इससे 4 बच्चे हुए। जब ग़ुलाम हैदर ने इसको तलाक दे दिया तो उसने साफ तौर पर कहा, सीमा इन बच्चों को भी रख लो, इन बच्चों को पिता का सहारा मिल जाएगा। उसने नहीं माना। 2022 में पिछले वर्ष तक सीमा के पिता जीवित थे, उनके पास रहती थी, देखभाल हो जाती थी, कुछ आर्थिक व्यवस्था भी हो जाती थी। 2022 में उनकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद सीमा ने अपने को बेसहारा, अकेला, असहाय, अवला, मजबूर नारी के रूप में देखा, तो उसे सचिन का सहारा मिला। सचिन से PUBG के द्वारा दोस्ती हुई, फिर वो दोस्ती आगे बढ़ी और सीमा पाकिस्तान से दुबई के रास्ते नेपाल पहुंची। नेपाल में
क्योंकि वो भारतीय संस्कृति, हिंदू रीति रिवाज से बहुत प्रभावित थी, उससे बहुत जुड़ी हुई थी। और ये भी अलग बात ही थी उसके अनुसार कि भारत देश ऐसा है, हिंदुस्तान ऐसा है जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। हमारे देश में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके साथ न्याय का नारा दिया जाता है, अन्य देशों में नहीं है। कई कंट्रीज़ में महिला को तो पायदान का डस्टर समझते हैं, ऐसी महिलाएं कहती हैं, मुस्लिम महिलाएं कहती हैं। भारत में मोदी जी ने ट्रिपल तलाक वाला काम करा दिया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ मुस्लिम लॉ के अनुसार चलता है। जब उसने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, फिर उसने हिंदू रीति रिवाज से नेपाल में शादी की। नेपाल की शादी के बाद वो वापस पाकिस्तान गई, पाकिस्तान के बाद अपने बच्चों को लेकर आई और भारत आ गई। भारत में उसने प्रवेश जो किया वो भारत की बहू के रूप में प्रवेश किया। आप उसे आतंकवादी की बात करते हैं, आप उसे ISI एजेंट की बात करते हैं, आप उसे जासूस के रूप में देखते हैं, आप उसे हनी ट्रैप के रूप में देखते हैं, ये दुखद है। बहू बन के आना चाहिए था अगर, तो परमिशन लेके आते। परमिशन आके बहू ने सबसे पहले यही काम किया, बुलंदशहर DM साहब को अप्लीकेशन दी मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए और नागरिकता प्राप्त करने के लिए। उसके बाद पुलिस एक्शन शुरू हुआ। वैसे तो किसी को पता ही नहीं था, जब पुलिस एक्शन शुरू हुआ तब उसमें ये पता चला कि 16 फॉरेनर एक्ट इस पर लगाया गया, 120 भी लगाई गई। फिर उसकी पुलिस कस्टडी हुई, जुडिशियल कस्टडी हुई, जेल गई, बेल हुई, अंडरवर्ल्ड ट्राई कोर्ट ने बेल दिया, बेल की शर्तों को मान रही है, अपने घर में रह रही है, अपने ससुराल में रह रही है। और जब भी बुलाया जाता है तो पूछताछ में भाग लेती है, ATS के द्वारा भाग लेती है। अब आपने ही मुताबिक 100 घंटे तक लगभग सीमा से पूछताछ हो चुकी है। क्या वो आतंकवादी निकली? मीडिया में तो खबरें चल रहा था कि कई तरह की कोडवर्ड का इस्तेमाल किया गया। किस बात का कोडवर्ड का इस्तेमाल किया गया, मेरी समझ में नहीं आता है। खबरें चल रही थी। क्या ISI एजेंट, आतंकवादी, जासूस अपने 4 छोटे छोटे बच्चों को लेके आएंगे? क्या ISI एजेंट अपने सारे आई कार्ड, जो जन्म से लेकर अब तक वीडियो फोटो आई कार्ड कागज बैंक टेकना ये वो सब कुछ लेके आएगी? अगर उसे ISI एजेंट बनना था तो वो सचिन को क्यों बड़े टॉप लेवल के अधिकारियों को फंसाती, उनके साथ रहती, उनके साथ जुड़ती? उसने ऐसा नहीं किया। आप आरोप लगाते हैं वो साड़ी क्यों अच्छी पहनती है, वो बिंदी क्यों लगाती है अच्छी, मांग का सिंदूर क्यों अच्छा भरती है, वो तो बिछुआ, वो तो चूड़ी, वो तो मंगलसूत्र पहन के रहती है। साहब, जब हिंदू संस्कृति में उसने शादी की तो ये तो सब अब वो करेगी। अब आपको परेशानी होती है, आपकी एक परेशानी होती है, वो 5वीं पास बताती है अपने को, इंग्लिश भी बोलती है, हिंदी बहुत अच्छी बोलती है। अरे भाई, हिंदी तो पूरी दुनिया की भाषा है, हिंदी पूरी दुनिया में बोली जाती है, अगर वो भी बोली जाती तो क्या हो गया, बलूचिस्तान की भाषा है। तो इस तरह से ये सिस्टम है। और बलूचिस्तान तो भारत का है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है, तो उसमें से इधर आ जाना और भारत में रहना, ये कहाँ गुनाह की बात है। फिर भी अगर देखा जाए सिंह साहब, तो चुनौतियाँ तो है ना, अगर देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण में गलत तरीके से पेश की, उसके बाद उसके भाई जो है पाकिस्तान आर्मी में है, कई तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब इसको कैसे चुनौती देंगे, अब क्योंकि अब डिपोर्ट करने की बात की जा रही है। पाकिस्तान सीमा में भाई होने से गुनाह हो जाता है? हमारे देश में बड़े बड़े हार्ड कोर क्रिमिनल की बहनें हैं, क्या उन्हें सताया जाता है, क्या उन्हें परेशान किया जाता है, क्या उन पर मुकदमे लगाए जाते हैं? नहीं, जो कार्य कर रहा है, अगर ये गलत कार्य कर रही है तो भाइयों को प्रभावित नहीं होंगे, भाई कुछ कर रहे हैं तो ये क्यों प्रभावित होगी? शादीशुदा बहन है, 4 बच्चे हैं, अपना कार्य कर रही है, भारत आई है। अच्छा, आप इसकी तो मांग कर रहे हैं डिपोर्ट कराने की। आप नहीं मांग कर रहे हैं, कुछ लोग। अक्षय कुमार हीरो है,
भारत के नागरिक नहीं हैं, कनाडा के नागरिक हैं। अदनान सामी पाकिस्तानी थे, भारत के नागरिक बने। और कई हीरोइन हैं, कई खिलाड़ी हैं, कई राजनेता हैं, कई अभिनेता हैं जिन्हें बाद में भारत की नागरिकता दी गई। और ऐसा आज़ादी के बाद पहली बार नहीं हुआ, हर वर्ष भारत के में रहने वालों को नागरिकता दी जाती है और ये लिस्ट बहुत लंबी है। और ये पूरे पाकिस्तान की बात करें, अफ़गानिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो सब देशों से आते हैं और नागरिकता भी मिलने का प्रावधान है। और उसी के तहत सीमा को भी नागरिकता मिले, सीमा देश की नागरिक बने, अच्छी महिला बने, प्यार करने वाली महिला बने, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, इससे अच्छी और क्या खुशी की बात हो सकती है। लंबी चौड़ी फाइल आपने तैयार किया है, करीब अगर देखा जाए तो 100 से अधिक 150 पन्नों की फाइल है। क्या छिपा है इस फाइल? छिपा नहीं, सब कुछ उजागर है इस फाइल में। छिपाने वाली कोई बात ही नहीं है, पब्लिक डोमेन में पहुँच गई फाइल है, देश के महामहिम राष्ट्रपति को पहुँच गई, मीडिया हाउसेस में पहुँच गई, बहुत चर्चा शुरू हो गई है। मर्सी पिटीशन है सीमा मीना की, एफिडेविट है सीमा मीना का, ओरिजिनल कलर्ड फोटोग्राफ ऑफ मैरिज विद पिटीशन सीमा एंड सचिन मीना विद हिंदू राइट्स एंड रिचुअल एट होली पुष्पांजलि नाथ पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल। फोटोकॉपी ऑफ FIR बेरिंग नंबर 159 है, कॉपी ऑफ बेल ऑर्डर ऑफ नित्तरपाल सिंह हैं, फोटोकॉपी ऑफ ये सब चीज़ें हैं, ऑर्डर हैं, आधार कार्ड हैं, आई कार्ड हैं, सारा सामान तो पुलिस के ही पास है, लेकिन फिर भी जो हमारे पास था हमने उसको लगाया। फिर भी ये जो कहा जा रहा है, आप तो आप उनके वकील हैं, लोगों को ये बताना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं 5-5 पासपोर्ट, कई आधार कार्ड, इस तरह की तमाम तरह की खबरें चल रही है, तो अभी तक जो आपके पास जानकारी आया, जो आप तमाम चीज़ों को अब कानूनी दाव पेज से देख रहे हैं, कितने पासपोर्ट और कितने आधार कार्ड वगैरह उनके पास है? कहा जा रहा है 5-5 फ़ोन है, बात करने के बाद सिम तोड़ देती थी, उधर नेपाल के जिस होटल में रुकी थी वहाँ पर कहा जा रहा है कि गलत नाम बताया गया था उनके द्वारा। सीमा के पास 5 पासपोर्ट हैं, सीमा के पास 5 पासपोर्ट हैं, 4 उसके बच्चियों के और एक उसका, 5 पासपोर्ट हो गए। अंदाजे बयां है, आप कहते हैं सीमा के पास 5 पासपोर्ट, 4 उसके 3 बेटियां, एक बेटा और एक खुद का पासपोर्ट, 5 पासपोर्ट है ना, मैं कह रहा हूँ यही तो आप कह रहे हैं। तरीका घुमाने का है, गुमराह करने का है, बच्चे आए हैं तो पासपोर्ट तो है ना, यही तो होता है पासपोर्ट। भारत और नेपाल के बीच पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं, वीज़ा की ज़रूरत नहीं। अब दुनिया के 57 देश ऐसे हो गए हैं जहां पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भारत नेपाल के भी रोटी और बेटी का रिश्ता है, इसीलिए चल रहा है। और ये भारत में आतंकवाद करने नहीं आई, जब सीमा पार से गोली आती थी तब तो लोगों की इतनी परेशानी नहीं होती थी, अब डोली आई है तो लोगों को गोली से भी ज़्यादा परेशानी हो रही है।